यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण सारे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन और मिलेगा ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और लेकर आए। तो आज हम बात करते हैं जो राजस्थान स्कॉलरशिप का जो आय प्रमाण पत्र है या आय का घोषणा पत्र है वो हम किस प्रकार से फिल करेंगे और कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करेंगे। फॉर्म आपको हमारे यहाँ पे जो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करें। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको सबसे ऊपर यहाँ पर जो आय का घोषणा पत्र है उसके नीचे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष, तो यहाँ पर आपको इस जगह आपको टाइप करना है 2022-23, और जब 2023 आ जाए तो आपको 23-24 आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है अपने पिताजी की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉलम नंबर एक में प्रार्थी यानी कि जो विद्यार्थी है उसके पिताजी का नाम यानी अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। पिताजी का नाम लिखने के बाद आपके दादाजी का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आप यहाँ पर माताजी का नाम लिखते हैं तो यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद जन्म दिनांक में आपके पापा का जो जन्म तारीख है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। आयु टोटल वर्ष कितनी हो चुकी है। निवास स्थान आपको यहाँ पर पूर्ण पता आपको फिल करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में आपको जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करने है। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पिताजी का जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और जो जन आधार कार्ड, इसके बाद जो भामाशाह कार्ड नंबर लिखे हुए हैं इसकी जगह आपको जन आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब इतना हो जाता है तो आपको इसके बाद आपको यहाँ पे जो ये वाला बॉक्स है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, ठीक है। इसमें आपको अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको और आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये अगर कोई कृषि भूमि करता है, जो कृषि करता है उसको केवल यहाँ पर अगर आपकी जितनी कृषि से आय होती है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पॉइंट में अगर आपके इससे संबंधित कोई इनकम नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं यानी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पिताजी केवल कृषि का काम करते हैं तो कृषि की इनकम आपको लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर कृषि के साथ साथ मजदूरी करते हैं तो आपको यहाँ पर मजदूरी की इनकम भी आपको अलग से लिखनी है। और आप यहाँ पर कोई दुकानदार या किराया आता है जो भी हो उससे आता है उसकी इनकम आपको अलग से लिखनी है। अगर यहाँ पर आपके जिस स्रोत से आय है इनमें वो आपको यहाँ पे टाइप करनी है। अगर अन्य स्रोत से आपकी आय है तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। अगर इनके अलावा यहाँ पर आपके पास केवल मजदूरी से आती है तो आपको यहाँ पे जो कृषि भूमि है उसको ब्लैंक छोड़ना है, ये दो नंबर खाली छोड़ना है। केवल टोटल 3 नंबर में आपको इनकम टाइप करनी है। इसके बाद जो टोटल आपकी इन सभी को जोड़ के जितनी आपकी इनकम होती है वो यहाँ पे कुल वार्षिक आय में आपको यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पर इतना हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जिस दिन आपने ये फॉर्म फिलअप किया उसकी डेट आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद आपके पिताजी के सिग्नेचर आपको यहाँ पे करवानी है, ठीक है। इसके बाद आपके पिताजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद उस छात्र या छात्रा का नाम लिखना है जिसके लिए आप ये इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ठीक है। इतना काम हो चुका है, अब आपको नीचे आना है। अब आपको दो गजेटेड अधिकारी हैं उनसे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवाने होते हैं, जिनमें आप एक सरपंच के करवा सकते हैं, दूसरी आप अपने जो प्रधानाध्यापक या डॉक्टर जो भी हैं इनमें ये जितने लोग यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से आप किसी के भी यहाँ पर सिग्नेचर करवा सकते हैं। आपको इनमें से किन्हीं दो के सिग्नेचर आपको करवाने आवश्यक हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऊपर जो फिलअप करना है वो है
यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखना है इसके ऊपर, इसके बाद आपके जो दादाजी है, इसके बाद जो आपका एड्रेस वो फिलअप कर देना है, ठीक है। इतना हो जाता है तो अब यहाँ पर आपको जो उत्तरदायी अधिकारी है उसका आपको यहाँ पे जो मोहर होता है वो आपको लगवाना है, नाम लिखवाना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पे इधर आपको थोड़ा सा उनका मोबाइल नंबर भी आपको लिखवाना है, इसी तरह दूसरे गजेटेड अधिकारी के सिग्नेचर करवाने हैं। अब इसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे इस प्रारूप में आपको, अब इसके बाद यह प्रारूप है, इसमें आपके पिताजी का नाम, दादाजी का नाम और जितनी आप टोटल इनकम लिखी है वो लिख देनी है और आपके पिताजी के सिग्नेचर यहाँ पे करवा देने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको नीचे आना है और ये जो प्रारूप है इसमें भी आपको यहाँ पर जो नाम है आपके पिताजी का हो जाएगा, इसके बाद दादाजी का, आयु और जो है एड्रेस वो आपको फिलअप कर लेना है और आपके पिताजी का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पिताजी का सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पर जो नोटरी है वो लग जाएगी, नोटरी लगवानी होगी आपको। ये नोटरी, ये फॉर्म आप यहाँ पे अच्छी तरह से फिल हो चुका है तो यहाँ पे आप इसको आपको नोटरी करवानी होगी। नोटरी नहीं करवाओगे तो ये फॉर्म अभी अभी अधूरा है, इसको आपको नोटरी करवाना आवश्यक है। अगर ये वीडियो में किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।